गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पर चलेंगे। हमारी एक्सरसाइज 1.2 है जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन्हें कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन्स पर। किस पर रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अगर कभी भी हमें कभी भी अगर नंबर लाइन पर नंबर्स को दर्शाना हो या रिप्रेजेंट करना हो, सबसे पहले हमने जब आप लोगों को बताया था तो नंबर लाइन बताई थी, जिसमें नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी बताई थी। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हुआ कि ये हमारी कोई नंबर लाइन है जिसको हम मान लेते हैं, हमारा मान लें यहाँ पर क्या है, जीरो है। यहाँ पर क्या है, जीरो है। जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस होता है, जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस होता है। और लेफ्ट कौन सा होता है? ये वाला हमारा लेफ्ट साइड होता है, मीन्स जिस हाथ से हम लिखते हैं ये राइट होता है, ठीक है। ये साइड हमारा कौन सा है? राइट साइड है। और ये हमारा लेफ्ट, अगर हम लेफ्ट की बात करेंगे तो आप इस साइड चलेंगे, यानी ये कौन सा साइड है? हमारा लेफ्ट साइड है। और हमारा राइट साइड कौन सा है? ये हमारा कौन सा साइड है? राइट साइड। तो अगर हम जीरो के लेफ्ट चलेंगे, अगर हम जीरो के पहले, लेफ्ट का मतलब पहले, ठीक है, पहले की बात करें, अगर जीरो के पहले चलोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर माइनस में जाएगा नंबर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, डॉट डॉट ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो और अगर हम जीरो के बाद चलते हैं, ठीक है, आफ्टर जीरो, जीरो के आगे चलते हैं, जीरो के आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या होगा? यही नंबर हमारा किसमें आएगा? प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, यानी वन, टू, थ्री, फोर ऐसे जाएगा। तो हमको इतना पता चल गया कि अगर हमें नंबर लाइन पर नंबर को शो करना होगा, नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो राइट साइड चलेंगे, नंबर अगर निगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड चलेंगे। तो जीरो के राइट साइड यानी जीरो के आगे की तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो के पीछे की तरफ निगेटिव नंबर होते हैं। अब हम लोगों को इतना पता चल गया है कि जीरो के लेफ्ट साइड चलने पे निगेटिव नंबर होंगे और जीरो के राइट साइड चलने पे पॉजिटिव नंबर होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये जो नंबर दिए गए हैं इन्हें हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। चलते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। क्या राइट करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन राइट करेंगे। राइट कर लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 7/4। 7/4 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। 7/4 को हमें किस पर रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पर। कभी भी अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो, कोई भी नंबर हो, पहले आप ये देखिए ये नंबर पॉजिटिव में है या निगेटिव में। क्या यहाँ पर कहीं पर माइनस दिख रहा है? माइनस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मीन्स ये जो हमको नंबर दिया गया है हम लोगों को, ये नंबर हमारा कैसा है? पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है। तो सबसे पहले अब हम क्या बनाएंगे? एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा कीजिए आप लोग। नंबर लाइन ड्रा करने के बाद आगे चलते हैं। ये नंबर कैसा है? पॉजिटिव नंबर है। और हमने आपको बताया था कभी भी अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो जीरो के किस साइड चलेंगे? राइट साइड। किस साइड? राइट साइड मीन्स आगे की तरफ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जीरो हो गया। फिर क्या हो जाएगा? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 1 भी राइट कर सकते हैं। 5/4, 6/4, 7/4। हमें रिप्रेजेंट क्या करना था? हमें रिप्रेजेंट करना था 7/4। हमें क्या रिप्रेजेंट करना था? 7/4 मीन्स हमें यही क्या करना था? रिप्रेजेंट करना था। हम लोगों ने इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट चलते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है -5/6। इसका सेकेंड पार्ट है -5/6। हमने आपको बताया था कभी भी नंबर लाइन को अगर नंबर लाइन पर शो करना है तो क्या देखेंगे कि नंबर जो दिया गया है वो पॉजिटिव है या निगेटिव, धनात्मक है या ऋणात्मक। अब बताइए कि धनात्मक या ऋणात्मक या पॉजिटिव या निगेटिव। तो ये बताइए कि क्या ये जो नंबर दिया है इसके सामने
माइनस साइन तो नहीं है, माइनस साइन है माइनस साइन, इट मींस ये हमारा कैसा नंबर है, निगेटिव नंबर है। तो हमें ये भी पता है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ड्रा कर ली सब लोगों ने नंबर लाइन। तो ये बताइए, अगर नंबर जो दिया गया होगा वो निगेटिव होगा तो जीरो के किस साइड चलते हैं हम लोग, जीरो के लेफ्ट साइड चलते हैं ना, या जीरो के पहले इधर पीछे की तरफ वापस आते हैं। तो जीरो हम कहां राइट कर लेंगे, यहाँ जीरो राइट कर लिया हमने। अब चलते हैं इसमें, सो करते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वन बाई सिक्स, माइनस टू बाई सिक्स, माइनस थ्री बाई सिक्स, माइनस फोर बाई सिक्स, माइनस फाइव बाई सिक्स, माइनस सिक्स बाई सिक्स, इट मीन्स माइनस वन, इट मीन्स माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस वन हो गया, और रिप्रेजेंट क्या करता था, माइनस फाइव बाई सिक्स, ये हो गया माइनस फाइव बाई सिक्स। ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पर चलते हैं। क्वेश्चन टू है, रिप्रेजेंट माइनस टू बाई इलेवन कॉमा माइनस फाइव बाई इलेवन कॉमा माइनस नाइन बाई इलेवन ऑन नंबर लाइन। हमें माइनस टू बाई इलेवन, माइनस फाइव बाई इलेवन, माइनस नाइन बाई इलेवन को कहां पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कहां पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो ऐसा जिसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो, सबसे पहले क्या राइट कर लेंगे, सॉल्यूशन। और किस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है उस नंबर को राइट कर लीजिए। हमारा नंबर है माइनस टू बाई इलेवन कॉमा माइनस फाइव बाई इलेवन कॉमा माइनस नाइन बाई इलेवन बाई इलेवन। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारी क्या हो गई, एक नंबर लाइन हो गई। ये क्या हो गई हमारी, एक नंबर लाइन हो गई। अब ये बताइए कि ये जो हमको नंबर दिया गया है, हम लोगों को जो नंबर्स दिए गए हैं, ये जो नंबर्स हैं, रेशो नंबर, ये बताइए क्या इसमें माइनस तो नहीं है, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी, माइनस इसमें भी, निगेटिव है नंबर्स, सारे नंबर्स कैसे हैं, निगेटिव नंबर्स हैं। अगर ये सारे निगेटिव नंबर्स हैं, अब हमें याद आ रहा है कि हम नंबर लाइन पर जब शो करते थे और निगेटिव नंबर रहते थे तो हम क्या करते थे, जीरो के पीछे की तरफ चलते थे, यानी लेफ्ट साइड चलते थे। तो जीरो कहाँ राइट करेंगे हम लोग, यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ क्या राइट करेंगे, जीरो, जीरो के पीछे साइड चलना है आपको, मतलब इस साइड आना है। चलते यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस वन बाई नाइन, सॉरी यहाँ पे डिनोमिनेटर 11 है इसलिए 11 लिखा जाएगा, माइनस वन बाई इलेवन, माइनस टू बाई इलेवन, माइनस थ्री बाई इलेवन, माइनस फोर बाई इलेवन, माइनस फाइव बाई इलेवन, माइनस सिक्स बाई इलेवन, माइनस सेवन बाई इलेवन, माइनस एट बाई इलेवन, माइनस नाइन बाई इलेवन। देखिए नंबर कौन कौन से शो करने हैं, माइनस टू बाई इलेवन। अब इसमें ढूंढिए कहाँ है माइनस टू बाई इलेवन। अब यहाँ पर माइनस टू बाई इलेवन कहाँ है, यहाँ ये माइनस वन बाई इलेवन हो गया, माइनस टू बाई इलेवन। तो ये हमारा पहला नंबर मिल गया, माइनस टू बाई इलेवन हो गया। सेकेंड नंबर है माइनस फाइव बाई इलेवन, थ्री बाई इलेवन, फोर बाई इलेवन और माइनस फाइव बाई इलेवन। अब इसको भी देखिए, मार्क कर लिया हम लोगों ने माइनस फाइव बाई इलेवन। अब हमारा कौन सा नंबर है, माइनस नाइन बाई इलेवन, तो हमारा नाइन बाई इलेवन हो गया, माइनस नाइन बाई इलेवन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोग अच्छे से इसे पढ़िएगा।